फेयर एंड स्क्वायर में आपका स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर। वेलकम ऑन फेयर एंड स्क्वायर मिस्टर कौल सिंह ठाकुर। थैंक यू वेरी मच। आपके एक मतभेद हिमाचल के चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह के साथ छुपे नहीं हैं, क्या है ये मतभेद? हमारे कोई मतभेद नहीं है। वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, पार्टी हाईकमान द्वारा उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है और मैं उनके मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री हूँ, तो हमारे कोई मतभेद नहीं है। अगर कोई बात होती है तो हम बैठ करके जो है सलाह मशवरा करके उस बात को हल करते हैं और कैबिनेट मीटिंग जब भी होती है मेरी राय को वो प्राथमिकता देते हैं। वैसे भी मैं वरिष्ठ मंत्री हूँ और मैं राय ईमानदारी के साथ जो है सरकार के हित में और जनहित में देता हूँ। आप मान नहीं रहे कि आपके कोई मतभेद हैं, लेकिन कहा जाता है कि आप एक चीफ मिनिस्ट्रियल एम्बिशन रखते हैं और इसी को लेके आपके डिफरेंसेस उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात ठीक है कि जब कोई राजनीति में आता है तो जब पहली बार ही कोई विधायक बनता है तो चाहता है कि मैं मंत्री बन जाऊं और सबकी यही इच्छा होती है कि मैं जो है कदम कदम पे और स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ूँ, लेकिन मैं पार्टी हाईकमांड का हमेशा वफादार रहा हूँ। पार्टी हाईकमांड ने मुझे दो बार पार्टी का अध्यक्ष बनाया श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और एक पार्टी अध्यक्ष के नाते मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का जो है 4.5 साल मैं अध्यक्ष रहा, दौरा किया, हर चुनाव क्षेत्र में गया, पार्टी को मजबूत किया, गुटबाजी को ख़त्म करने की मैंने पूरी कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा अभियान प्रदेश के अंदर चलाया, पद यात्राएँ हमने की और इसी का नतीजा है कि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्तासीन हुई है। डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही एक फाउंडेशन स्टोन लेइंग पे एक इंसिडेंट हुआ था जहां उस पर आपका नाम लिखा गया था और वीरभद्र सिंह आपका नाम दे के बहुत भड़के थे, वो CMO भी सस्पेंड कर दिया था, डेरा की बात है ये, तो ये मतभेद नहीं है? क्यों भड़के थे वो? नहीं, ये उनकी सोच है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। ये ठीक है कि मैंने भी उस फंक्शन में जाना था क्योंकि 23 तारीख को कैबिनेट मीटिंग धर्मशाला में थी, 24 तारीख को मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज का 2-2.5 घंटे जो इंस्पेक्शन किया, उसके बाद बीच में कई हेल्थ इंस्टीट्यूशन थे उनका इंस्पेक्शन किया, फिर मैं हमीरपुर में। नहीं, आपका कहने का ये मतलब है कि मतभेद आपकी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से कोई नहीं है, उनकी तरफ से है। जब जिस तरीके से उन्होंने उस दिन रिएक्ट किया, एक मुख्यमंत्री के नाते उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यू आर हियर बाई सस्पेंडेड, ऐसे जो है एक मुख्यमंत्री को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैं भी कांग्रेस का विधायक हूँ, कांग्रेस का मंत्री हूँ और मैंने जाना था, मैंने इंडिस्पोज हुआ, मैंने उनके जो चीफ सिक्योरिटी अफसर आप ये कह रहे हैं कि उनको जो कहा CM कि मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ये आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक रिएक्शन दिखाया, एक CM को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था, और मैंने अपना डिस्प्लेजर भी उनको कन्वे कर दिया 26 तारीख को। आपने किस तरीके से डिस्प्लेजर? नहीं, मैंने ये कहा कि मैंने आपके चीफ सिक्योरिटी अफसर को बता दिया था कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, इस वजह से नहीं आ रहा हूँ, मैंने आना था। आप किस तरीके से, मैं क्या CMO को, कोई CMO करता है अप्रूव? ये तो आपके दफ्तर से अप्रूवल जाती है और मैंने जाना था, मैं नहीं जा सका किसी वजह से और आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा आप ने ये अच्छा नहीं किया सबके सामने बोल के। तो वो CMO अभी भी सस्पेंडेड है? कोई सस्पेंड नहीं हुआ है CMO, कैसे सस्पेंड? CMO साहब की गलती कोई नहीं थी, कैसे सस्पेंड करते CMO को? उनको ये ऐसा रिएक्ट करना नहीं चाहिए था एक मुख्यमंत्री के नाते। ये सच है कि आपकी लड़की एक नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहते थे और CM ने उसकी अप्रूवल नहीं दी? बिल्कुल नहीं है, ना मेरी किसी लड़के ने अप्लाई किया नर्सिंग कॉलेज के लिए। अगर नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहती थी, मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, CM साहब उसको कैसे रोक सकते हैं अगर वो नॉर्म्स के मुताबिक हो, लेकिन ना मेरी किसी लड़की ने नर्सिंग कॉलेज के लिए अप्लाई किया और ना ही कोई ऐसी घटना हुई है। आप कह रहे हैं आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, बट कहा जाता है कि आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट में ज़्यादा चलती नहीं है, ऐसी ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। जिस दिन हेल्थ डिपार्टमेंट में मेरी नहीं चलेगी उस दिन मैं सरकार में रहूँ ना रहूँ इस पर विचार करूँगा, क्योंकि मैं 8वीं बार
विधायक बना हूँ, स्पीकर भी रहा हूँ, हर बार मंत्री बना हूँ जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, तो चलती है ऐसी कोई, जब बैन होता है तो मुख्यमंत्री के पास फाइल जाती है और वो कर देते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पे बहुत सीरियस करप्शन चार्जेस ऑपोजिशन लगा रही है, स्पेशली एक पावर प्रोजेक्ट, कोई साई कोठी का पावर प्रोजेक्ट है उसको लेके, और बिल्कुल डायरेक्ट अटैक्स करप्शन के कर रही है। डू यू थिंक चीफ मिनिस्टर को कंटिन्यू करना चाहिए ऐसे सीरियस एलिगेशंस के अंडर? ऐसा है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात को भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का सिरे से खारिज कर दिया है। वो कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप लगाए हैं। और जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, हमने एक चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो है उस वक्त मुख्यमंत्री थे, हमने भी एक चार्जशीट, 5 मेंबरी कमेटी मैंने बाली की अध्यक्षता में बनाई थी, चार्जशीट उस कमेटी ने बनाई, हमने महामहिम राष्ट्रपति को चार्जशीट दी, हिमाचल में गवर्नर को चार्जशीट दी। आज हमारी सरकार उसी चार्जशीट पे जो है कार्रवाई कर रही है, उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आरोप लगते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने आरोपों को खारिज किया है, वो इस बारे में ज़्यादा जानते हैं। मैं आपसे एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मिस्टर कौल सिंह ठाकुर, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं। मेरे सोर्सेज बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, ओल्ड एज का असर शुरू हो गया है, आपके कमेंट्स इस पे? मेरे मुताबिक तो एक स्वास्थ्य मंत्री के नाते उनका स्वास्थ्य अब ठीक है। अब पहले शुरू में उनकी ठीक है, थोड़ी सी सेहत में गड़बड़ थी, लेकिन अब पूरी तरह बिल्कुल ठीक है, ठीक काम कर रहे हैं। ठीक, उम्र का तकाजा होता है, लेकिन उम्र का क्या है, उम्र के इश्यूज क्या है, उम्र क्या क्या 80 साल होगी उनकी उम्र अभी तक, क्या है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्या थे? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कुछ नहीं थे पहले, थोड़े से मतलब जब नए मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त तो थोड़े से मतलब पावर ने ठीक कर दिए, लेकिन अब समय क्यों, कई बार हो जाता है, हम भी बीमार होते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो इस तरह से अब वो पूरी तरह से ठीक है और ठीक तरीके से अपना काम निभा रहे हैं। लोकसभा की इलेक्शंस कुछ ही महीने में आने वाली हैं, आपकी इतनी जो ये फैक्शनलिज्म है, गुटबंदी है, ये आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? ऐसा है, हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता किसी बात पे मतभेद, में कोई चीज़ चाहता हूँ कि इस तरीके से हो और कोई और चाहता है कि इस तरीके से ना हो, लेकिन हम जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ते हैं और जंगे मैदान में जाते हैं, हम सारे मतभेद मनभेद भुला करके जो है हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो ये हमने जो है निश्चय किया है, प्रण किया है, और अगले आने वाले चुनाव में हम मिलजुल करके जो है भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हिमाचल की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। आपकी हमीरपुर सीट पे भी मतभेद लग रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर मिस्टर राजेंद्र राणा का नाम ले रहे हैं और वो बाहर से ज्वाइन किया है, आप कह रहे हैं कि पार्टी का मेंबर होना चाहिए, तो आपकी डिफरेंसेस कैंडिडेट्स को लेके भी होगी? इस बारे में मैंने अपनी कोई इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन जो पार्टी संगठन है, पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हमारे पार्टी के प्रधान हैं और वो हमीरपुर जिला से संबंधित है, वो कहते हैं कि पार्टी का ही व्यक्ति जो है, पार्टी के व्यक्ति को ही हमीरपुर से टिकट मिलना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो भी पार्टी के मेंबर ही नहीं बने हैं और जिनके खिलाफ उनका एक भी आरोप है कि जिसको मुख्यमंत्री चाहते हैं वो हमारी जो चार्जशीट गई है, चार्जशीट में उसका नाम भी शामिल किया गया है, वो पार्टी संगठन की बात है, मेरे इसमें कोई अपना कोई विचार नहीं है। बट किस स्ट्रैटेजी से कांग्रेस इस इलेक्शन में जाएगी? स्ट्रैटेजी से यूपीए सरकार ने जो काम किए हैं, वर्स्ट परफॉर्मिंग सरकार, बिल्स पास होने में इसको टैग मिला है? नहीं, बिल पास होने में तो चलो ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा बहुमत नहीं था वहाँ जी, और यूपीए का गठबंधन था, कई पार्टियां हमें समर्थन दे रही थी, वो इशू बेस्ड समर्थन दे रही थी, कई मामले में उन्होंने साथ नहीं दिया, तो कुछ जो बिल 3-4 बिल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लाना चाहते थे वो पास नहीं हो सके हैं,
और राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम ऑर्डिनेंस उसमें लाएंगे, ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, तो इस तरीके से और अच्छे काम भी किए, ये नहीं कहते कि अच्छे काम किए हैं, और उन कामों को लेकर के हम जाएंगे। हमारी सरकार को अभी 1 साल 2 महीने हुए हैं, 1 साल 2 महीने में हमने कितने मतलब डिग्री कॉलेज खोले हैं, 14-15 डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश के हम 1 साल के अंदर खोले हैं, कितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए हैं, कितने हाई स्कूल नए खोले हैं, कितने मिडिल स्कूल खोले हैं, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 1 साल में एक रिकॉर्ड है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है हमने कम से कम 35-40 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से बनाए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिविल हॉस्पिटल बनाए, तो जितने हमारे विकास के काम हुए, विकास के काम को लेकर के जनता के पास जाएंगे। और निश्चित सड़कों का तो बुरा हाल है हिमाचल की, ये ठीक है, सड़कें पिछले 5 साल से सड़कों की हालत ख़राब है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई, हम चाहते थे उन सड़कों को जो है रिन्यूल करें, टायरिंग करें उनकी, वो मई महीने से ही बारिशें शुरू हो गई। अब हम कोशिश करेंगे कि अभी मार्च अप्रैल के बाद जो है सारी सड़कों को जो है दोबारा रिन्यूअल कर उन सड़कों का करें, और उन सड़कों में सुधार करने की ज़रूरत है। पिछली बार इतनी बरसात जो है आज तक हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुई, बरसात में लगभग 71 आदमी हमारे मारे गए, करोड़ों जो है 2974 करोड़ रुपये का नुकसान हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुआ है, जैसे उत्तराखंड में हुआ है वैसे हिमाचल प्रदेश में हुआ है, तो उन सड़कों को हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। इलेक्शन के मुद्दे की बात कर रहे हैं आप, बार बार एक बीजेपी जो धूमल सरकार थी उनको एक चार्जशीट में करप्शन की बात करते हैं, ये भी मुद्दा बनेगा? निश्चित तौर पे क्यों नहीं मुद्दा बनेगा, बट करप्शन को लेकर आप कैसे लोगों में जाएंगे? आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशंस हैं, यूपीएस सरकार में इतने स्कैम्स हैं, आप ये इलेक्शन में कैसे ये मुद्दा लेकर जा सकते हैं? अभी जो HPCA का आपने जो स्टेडियम टेक ओवर किया था, वो भी हाईकोर्ट ने सरकार को खरी खरी सुनाई है। चलो वो मैटर तो अभी सब जुडिस है, HPCA का अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है कि ठीक है कब्जा उनको हाईकोर्ट ने दिला लेकिन दिया। करप्शन के चार्जेस में कैसे? करप्शन के चार्जेस में ऐसा है, जहाँ तक आप कहते हैं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये उन्होंने इन आरोपों का खंडन कर दिया है, और कोर्ट में जो है डेफेमेशन का केस जो है क्रिमिनल डेफेमेशन का केस उन लोगों के खिलाफ उन्होंने दायर कर दिया है जिनने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे, क्योंकि अब मैटर सब जुडिस है, कोर्ट अदालत में विचाराधीन है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पे जो है सफाई दे दी है। तो और UPA के जो इतने स्कैम हुए हैं, UPA के स्कैम का भी मतलब पूरी तरह से UPA की सरकार ने उनका जवाब दिया है, लेकिन ये बात ठीक है कि जो UPA 1 ने काम किया उतना अच्छा काम UPA 2 में नहीं हुआ है, और जो है आरोप UPA 2 वो आपको दिख रही है, वो दिक्कत लोगों में जब जाते हो, लोगों ने लगाया है, लेकिन जब आप लोगों में जाते हो आपको लगता है कि लोग UPA 2 से खुश नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं, UPA 2 ने जो कानून बनाए हैं जनहित में जो कानून बनाए हैं वो ऐसे ऐतिहासिक फैसले UPA 2 ने लिए हैं जिनका जनता में अच्छा असर पड़ा है, चाहे मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने का प्रश्न हो, चाहे जो है शिक्षा का अधिकार के प्रश्न हो, चाहे सूचना का अधिकार का प्रश्न हो, चाहे आप जो है ये राजीव गांधी अन्न योजना का अधिकार का प्रश्न हो, 2 रुपये किलो जो है गंदम और 3 रुपये किलो चावल जो है राहुल गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोग उनको देने का, राहुल गांधी को लोग वोट डालेंगे राहुल गांधी के नाम पर? राहुल गांधी की छवि अच्छी है, ईमानदार छवि के रूप में जाना जाता है, नौजवान की इच्छाओं के मुताबिक इंस्पायरेशन के मुताबिक वो काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज क्योंकि हिमाचल हिंदुस्तान के अंदर तो फिर कैसी नौजवान जो है 45% लोग जो है नौजवान हैं, और नेचुरली नौजवान को प्रेफर करेंगे। मगर मोदी, नरेंद्र मोदी और राहुल के बीच में लोग, आपको क्या लगता है स्टेट में मोदी वेव है? हमारे राज्य में कम से कम हिमाचल प्रदेश में मोदी वेव कोई नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मोदी जी पहले भी जब धूमल थे उस वक्त ये प्रभारी रहे हिमाचल प्रदेश के, उनके प्रभारी रहते हुए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और पीछे के इलेक्शन में भी मोदी हिमाचल प्रदेश में आए उसका कोई असर नहीं पड़ा, कर्नाटक में गए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, ऐसी नहीं है ये एक हवा बनाई है, ये जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मोदी का जो है ज़्यादा प्रचार हो रहा है, आम आदमी में मोदी की कोई, और मोदी के बारे में जो जानते हैं कि जो कत्लेआम गुजरात में उनके वक्त में हुआ,
सांप्रदायिक दंगे उस वक्त हुए वहाँ गुजरात में हुए हैं, और गुजरात में अगर आप देखें पर कैपिटा इनकम जो है बाकी कई राज्यों से बहुत पीछे है, शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात पीछे है और कई क्षेत्रों में गुजरात पीछे, ये ठीक है उन्होंने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति घराने हैं उनकी मदद ज़रूर की है, लेकिन आम आदमी जो है वो हिंदुस्तान के आम आदमी मोदी से खुश नहीं है। आप इलेक्शन में अपनी सरकार के काम लेकर जाएंगे जो आपकी स्टेट सरकार भी है, तो आप 10 में से अपने सरकार को कितने अंक देते हैं? मैं तो 10 में से 10 ही देना चाहता हूँ, क्योंकि विकास के मामले चाहने की बात और है, देते कितने हैं? नहीं, 10 में से 9 नंबर तो निश्चित है, क्योंकि जो एक साल में मैंने आपको कहा हमने इतने विकास के काम किए हैं, चाहे वो कंपेयर कर लें, हम बीजेपी को चुनौती देते हैं उन्होंने कितने कॉलेज अपने वक्त में खोले हैं, 5 साल में खोले हैं। कॉलेजेस की भी अपनी कंट्रोवर्सी है। नहीं, एनवायरनमेंट को देखो ना, लोगों को चाहिए शिक्षा और घरों को नज़दीक शिक्षा, जितने ये कॉलेज खोले गए हमने उससे एक दूर दराज क्षेत्रों में खोले हैं जहाँ बच्चे कॉलेज तक नहीं पहुँच सकते, उन जगहों उन कॉलेज में बच्चे जो है पढ़ेंगे, घर से खाना खा के जाएंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे और घर वापस आ जाएंगे, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और कई बार बच्चों को 10-10 किलोमीटर जो है प्लस टू स्कूल के लिए जाना पड़ता था, वो हमने उनके घरों के नज़दीक प्लस टू स्कूल जो है हाई स्कूल के दर्जे बढ़ा के प्लस टू कर दिया है, उसका लोगों में इम्पैक्ट पड़ा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है लोगों को कई बार 20-20 किलोमीटर जाना था, हमने उनके घरों के नज़दीक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो है 6 बिस्तरों से 30 बिस्तर कर दिए। आप सेहत महकमे की बात कर रहे हैं, जो शिमला में हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, उसको एक हेल माना जाता है, लोग कहते हैं कोई बीमार ना भी हो बट वहाँ जाके बीमार हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसे यहाँ बात है शिमला एक हमारा राज्य स्तरीय हॉस्पिटल है डॉक्टर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसमें हमने बहुत सुधार किया, ये ठीक है। पिछले 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और डॉक्टर बिंदल जो है वो स्वास्थ्य मंत्री थे, क्योंकि वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं ना कोई एलोपैथी के हैं, और मैंने विधानसभा में कई बार धूमल साहब को सलाह दी कि इनको आयुर्वेदा का ही जो है मंत्री बनाएं और एलोपैथी आप किसी दूसरे को दो अपने पास रखें। एलोपैथी उस वक्त जो है पूरी तरह से नज़रअंदाज हुआ है, ये हम बात मानते हैं। डॉक्टरों की भर्ती जो है वो RKS में की गई, रोगी कल्याण समिति के अंदर की गई, उनको 26,200 रुपये देते थे और डॉक्टर कहते हमने 500 डॉक्टर लगा दिए, जब मौके पर गए तो 200 डॉक्टर ने ज्वाइन किया था, हमने पहले ही आते ही जो है RKS की डॉक्टरों की भर्ती बंद कर दी, डॉक्टर मिलते नहीं है, Class 1 अफसर है, हमने वो उनको जो है उन्होंने कहा ये आप अनुबंध पे रखे जाएंगे, अब जितने डॉक्टर आ रहे हैं वो सब ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी 26,200 से बढ़ा करके हमने 40,000 उनकी कर दी है, जो अच्छे स्टेशन हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र है वो 55,000 रुपया जो है एक डॉक्टर पहली अपॉइंटमेंट में ले रहा है, तो आज डॉक्टरों की काफ़ी 366 डॉक्टर हमने लगाया एक साल के अंदर, एक रिकॉर्ड है, इन्होंने 5 साल में इतने डॉक्टरों ने ज्वाइन किए जितने हमारे एक साल में डॉक्टर ज्वाइन। राजीव बिंदल की बात कर रहे हैं, आपने एज लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत शोर डाला था कि घोटाला है 108 नंबर वाली एम्बुलेंसेस लेके, लेकिन अब इंक्वायरी आपकी बड़ी स्लो चल रही है, क्या बात है? आपकी खासी दोस्ती है उनके साथ? नहीं, दोस्ती तो होती है राजनीति में, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो ना हम कोई दुश्मन थोड़ी है, राजनीतिक विरोधी है, दुश्मन नहीं है, इंक्वायरी हम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ काम किए हैं उसकी इंक्वायरियाँ चल रही है, हम कोई ऐसा काम नहीं बताना चाहते ताकि राजनीतिक प्रतिशोध उसमें सामने नजर आए, हम जो चाहते हैं जो हकीकी है ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पे करना चाहते हैं, कुछ फैसले उन्होंने ऐसे किए थे जिनको हमने बदला है। इतना वक्त लग गया? नहीं, टाइम लगता है, अगर जल्दी करे जो है हरिड जस्टिस इज ए वरिड जस्टिस, तो टाइम तो लगता है। पाँच छः महीने हुए हमने उसकी इंक्वायरी ऑर्डर की है, अभी इसमें क्या क्या हुआ है, अब कई किराए पर जो है बड़े भारी महंगे किराए पे मकान ले लिए हमने, हमने नई बिल्डिंग बनाई है उस मकान को हम छोड़ रहे हैं, ये तो उनके विधायक भी मान रहे थे कि भाई एक छोटा सा मकान 1,00,000 रुपये महीना उनको दे रहे हैं, तो इस तरीके से हमने कोशिश की। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मैंने मामला केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से उठाया था और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो है ले लिया गया है, 150 करोड़ रुपया मंजूर हो गया है, अब उसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, और वहाँ जगह की कमी थी,
जगह की कमी, जो डेंटल कॉलेज हम वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज को शिफ्ट कर रहे हैं और उसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक हमने शिलान्यास वहाँ किया है जिसमें लगभग 56 करोड़ रुपये जो है खर्च किया जाएगा, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनेगी। अब वो एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन अदर इंडिया। प्राइवेट लेबॉरटरीज़ को लेके एक मुद्दा उठा है कि आपने जो मेडिकल टेस्ट हैं वो प्राइवेट लेबॉरटरीज़ को दे दिए हैं, वो अपोजिशन ने उसका काफ़ी उसका शोर डाला है, वो क्या है, वो लोगों को बेनिफिट करेगी कि एक्सपेंसिव हो जाएगी मेडिकल? जो हमने एक तरीका निकाला, हमारे हॉस्पिटलों में 9 से 12 बजे तक जो है सैंपल कलेक्ट करते थे, 12 बजे के बाद सुलेब सैंपल कलेक्ट नहीं करते थे, उसकी रिपोर्ट तैयार करते थे, शाम को रिपोर्ट देते थे 2-3 बजे तक। हमने कहा, फिर एक एडवर्टाइज़ किया हमने नेशनल पेपर्स में एडवर्टाइज़ किया कि हम जो है PPP मोड पर जो है हमें प्राइवेटाइज़ करना चाहते हैं। आजकल PPP मोड चला हुआ है सारे, तो प्राइवेटाइज 5 लोगों ने जो है उसमें एप्लीकेशन हमसे फार्म लिए टेंडर डालने के लिए। उसमें 2 कंपनियों ने टेंडर डाले, कोई एक अमृतसर की कंपनी थी और एक दूसरी कंपनी थी, ये रेनवैक्सी कंपनी, उनने टेंडर डाले। और उसमें से हमने ये उनके साथ मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो हमारे RKS के रेट हैं टेस्ट के, वही रेट वो करेंगे। और वो दाम में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, वो करेंगे सिर्फ 12 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक जो हमारे पिछले सैंपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट होते हैं वो चलेंगे। और उसके अलावा भी सिर्फ 23 हॉस्पिटलों में, जैसे जोनल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेजेज हैं, सिविल हॉस्पिटल है, 100 बेड से ऊपर, उससे निचले स्तर पे जो है वो कोई नहीं होंगे। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है उनका ह्यू एंड क्राई, मैंने विधानसभा में उनको समझाने की कोशिश की है, मैंने कहा उनके रेट जो है कम रेट हैं, बाज़ार में जब उस तरह में टेस्ट लेते थे 12 बजे के बाद जो सैंपल जाते थे वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट लेते थे, उनकी जो रिपोर्ट जो है एक्यूरेट नहीं होती थी, क्योंकि ये कंपनी जो है नॉन, इनके तो बाहर विदेशों में भी जो है इनकी लेबॉरटरीज ने खोली है, तो इनके रिज़ल्ट काफ़ी एक्यूरेट है। जब रिज़ल्ट एक्यूरेट होंगे तो ट्रीटमेंट भी एक्यूरेट होगी, अगर रिज़ल्ट टेस्ट के गलत होंगे तो ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं होगी। एक आपका जो बजट सेशन था इसमें आप एक लोकायुक्त बिल लेकर आए थे, लेकिन वो पास नहीं हुआ, तो उसकी क्या रीज़न है? ऐसा है, लोकायुक्त बिल जो है हमने कैबिनेट में थर्ड बियर डिस्कस किया, एक पूरी कैबिनेट मीटिंग उसके लिए रखाई हमने, लेकिन जब बिल पेश किया मुख्यमंत्री महोदय ने तो हमने सब के लिए फैसला किया कि विपक्ष जो है विधानसभा के अंदर नहीं है, विपक्ष की गैरहाजिरी में हम उस बिल को नहीं पेश चाहते, वरना वो कहते कि जी देखो जी हमारी गैरहाजिरी में हो गया, हमें मौका नहीं मिला। तो कुछ उसमें और सुधार करने की ज़रूरत थी, जैसे सेंटर में जो एक्ट बना है थोड़ा वीक, उसके मुताबिक वीक बात थी, उसमें कुछ और सुधार करने की ज़रूरत थी, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीजिंग जो है उनको हमने अख्तियार देने की बात थी, उसमें प्रावधान नहीं था, मैंने उसमें अमेंडमेंट मूव की है कि कंटेम्प्ट की जो है उनको अधिकार दिए जाए। तो फिर सहमति ये बनी कि जो है उन जो है इसको सिलेक्ट कमेटी के अंदर भेज दिया जाए, ताकि सिलेक्ट कमेटी में हमारे कांग्रेस के विधायक भी होते हैं और सिलेक्ट कमेटी में मैं ही चेयरमैन हूँगा, और उनकी तरफ से भी 2 विधायक जो है जो कानूनी जानते हैं, जैसे ठाकुर गुलाब सिंह है, पहले भी मतलब वो वरिष्ठ मंत्री भी रह चुके हैं, उनको डाला है, एक और विधायक को डाला है, एक इंडिपेंडेंट विधायक को डाला है, 2-3 हमारे कांग्रेस से विधायक। तो ये कब पास हो जाएगा? ये हमने मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये घोषणा की है कि जैसे ही सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट देगी, चाहे हम एक दिन का सेशन, स्पेशल सेशन जो है इस बिल को पास करने के लिए बुलाएंगे। मेरा आखिरी सवाल कौल सिंह ठाकुर साहब, एक कहा जाता है कि आप एक सवाल बार बार पूछते हैं अपने आप से या जो आपके वेलविशर्स हैं कि मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता? ऐसा है, होता वही है जो मजूरी खुदा होता है, जब किस्मत में होगा तो बन जाएंगे, नहीं होगा नहीं बनेंगे। मैं तो हाई कमांड का वफादार सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का, और हाई कमांड जो आदेश मुझे करेगी, मैंने हमेशा हाई कमांड के आदेशों का पालन किया है, कभी हाई कमांड के आदेशों की उल्लंघना मैंने नहीं की है, क्योंकि मैं कांग्रेस का एक जो है लॉयल सिपाही हूँ। आपकी उम्र भी तकरीबन 70 साल के नेड़े है, तो आपको लगता है चांस कि आप शायद, क्योंकि वीरभद्र सिंह का कहा जाता है कि ये लास्ट टेन्योर शायद हो, तो आपको लगता है कि आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री
बन सकते हैं? किस्मत में होगा तो ज़रूर बनेंगे, अगर किस्मत में नहीं होगा तो नहीं बनेंगे, मैं तो यही समझता हूँ। कोई रिग्रेट नहीं है? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हम गांव के बैकग्राउंड से आए हुए हैं। मैं वकालत काम करता था, मैंने 1973 में पंचायत समिति का मैं चेयरमैन सर्वसम्मति से बना, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत समिति का मैं चेयरमैन रहा, और फिर 1977 में मैं MLA बन गया। मैंने सोचा नहीं था कि हम MLA बनेंगे, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हमारी नहीं थी। और उसके बाद 8 बार विधानसभा के अंदर जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, एक व्यक्ति को एक ही चुनाव क्षेत्र से 8 बार जीत करके जाए, तो मैं जो मुझे बड़ी संतुष्टि है। और बाकी जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, जब भगवान चाहेगा तो निश्चित तौर पे बनेंगे, हाईकमांड चाहेगी निश्चित तौर पे बनेंगे। भगवान और हाईकमांड एक ही है ना? अब बिल्कुल एक ही है, मेरे लिए एक है, तो इसलिए अभी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हम उनके सहयोगी हैं और उनका साथ दे रहे हैं। थैंक यू कौल सिंह ठाकुर साहब, थैंक यू। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।